युवाओं को हनुमान जी का पालन करना चाहिए, जैसे हनुमान जी राम पर रमे हुए हैं ऐसे उन्हें भी अपने गोल पे रमे रहना चाहिए। पढ़ाई में और तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसको भी आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, उसे संघर्ष के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, और जब शरीर और मन मजबूत होगा तो आपके सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। जैसे ये लाइन में पढ़ता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो निखर रहा हूँ यार। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद, झांसी की नंबर वन फ्रेंचाइजी अवध फूड, प्योर वेज फूड, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा, 15 रुपए से शुरू। नमस्कार, मैं सोनिया सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ आज जो मौजूद है अवध ओझा सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही साथ यूट्यूबर हैं और यूपीएससी कोच भी हैं। सर आपका सागर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो आपकी संघर्ष के बाद जो सफलता की कहानी रही है, सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे आपसे। संघर्ष जो है वो मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, वो कोई मैंने नहीं किया है, सबको करनी पड़ती। भगवान कृष्ण को करनी पड़ी, भगवान राम को करनी पड़ी, गांधी जी को करनी पड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर को करनी पड़ी। तो ये जो हमारे देश में एक बात है ना कि कुछ विशेष लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, सभी करते हैं। जैसे आप लोग अपनी टीवी को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो ये संघर्ष नहीं चल रहा है। तो जितना अच्छा संघर्ष चलेगा, कल आप नेशनल टीवी बन जाओगे, परसों आप इंटरनेशनल स्तर पर आ जाओगे। तो संघर्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो बहुत डरावनी सी चीज़ है। जिसको भी आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, उसे संघर्ष के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। अगर लोहे को तलवार बनना है या बर्तन बनना है तो गलना तो पड़ेगा ना, तो वो एक अनिवार्य सी चीज़ है। सर जो युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत तैयारी करते जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम आया उन्हें डाल दिया, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ाई में और तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने देखा इस देश में बहुसंख्यक युवा वो ये जान नहीं पाते कि पढ़ाई क्या है और तैयारी क्या है। पढ़ाई मतलब जानना, जैसे मान लो ये बच्ची ने पूछा कि दीदी ये गेहूं की बालियां कैसे सोने जैसी हो गई, तुमने बताया बेटा ये फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, इसमें हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, सूरज की किरणें होती, फिर दोनों मिलते हैं तो उससे अनाज पैदा होता, एनर्जी पैदा होती, वो जानना हो गया। तैयारी मतलब समझ का विकास। 99% जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ 10-10 साल पढ़ते ही रहते हैं, समझ का विकास करते ही नहीं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। और अभी सर जो ये स्कूलों में चल रहा है कि जो बुक्स हैं वो एक स्टेशनरी से ही खरीदें, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ है, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उस पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो ही गया, अब शिक्षा का क्या, हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया है, तो हर व्यक्ति व्यवसायीकरण के तहत पैसा कमाना चाहता है। तो कभी स्कूल कहता आप हम ही से ड्रेस खरीदोगे, कभी वो कहता आप हम ही से किताब खरीदोगे, तो अच्छी बात है, ठीक है, हम खरीद भी लेंगे, लेकिन स्कूल को कमर्शियल के साथ साथ मानवीय पक्ष को भी रखना चाहिए, और उसमें उसे ये बात देखनी चाहिए कि स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझ किसी भी प्रकार का ना पड़े। सर जल्दी सिलेक्शन हो उसके लिए तैयारी कैसे करें, कुछ बताइए युवाओं के लिए। जल्दी सिलेक्शन होने की तैयारी ये है कि P=P+P का एक सूत्र है, Preparation = Priority + Planning। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ प्राथमिकताएं बना लीजिए, प्रायोरिटी, और फिर प्लान कर लीजिए। जैसे हमने देखा बड़े सारे युवा हैं वो 10 दिन तो बहुत अच्छे पढ़े और 15 दिन गांव चले गए, तो फिर वो तारतम्यता टूटी ना। तो इस सूत्र को अपना लें, प्राथमिकता प्लस प्लान, तो उनका सिलेक्शन जल्दी होगा। और सर कुछ युवा मतलब जो होते हैं कि बाहर गए, इंदौर गए, भोपाल गए, तो नई नई चीज़ें जो उनको फैशनेबल मतलब रहता है कि नहीं मुझे घूमना है फिरना है, साइड में पढ़ाई चलती रहेगी, तो भटक जाते हैं, तो क्या करना, मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम की सेना में बहुत सारे बानर थे, लेकिन भगवान एक ही को माना जाता है जी। किसको? हनुमान जी को जी। क्यों? क्योंकि वो निरंतर राम में रमे रहे। तो जो भी हनुमान जी की कदमों पे नहीं चलेगा, और बिना शक्ति के क्या घूमना, जिसके जेब में पैसा ना हो जी। जिसके पास किसी को खिलाने की क्षमता ना हो, उसे तो
युवाओं को हनुमान जी का पालन करना चाहिए, जैसे हनुमान जी राम पर रमे हुए हैं ऐसे उन्हें भी अपने गोल पर रमे रहना चाहिए। जिस दिन वो भगवत्ता की स्थिति में आ जाएंगे वो किसी को भी घुमाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। सर लास्ट बात मैं पूछना चाहूँगी कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो। बिल्कुल, तैयारी करने वालों को सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर की उपलब्धि आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है। अगर आप बाहर कुछ भी चाहते हैं तो आप अपने अंदर की ताकत को बढ़ाइए, विशेषकर दो ताकत को। एक शरीर की ताकत को, भाई आपको 8 घंटा पढ़ना है लेकिन आप बैठ ही नहीं पा रहे, और आपको 8 घंटा पढ़ना है, शरीर बहुत मजबूत है लेकिन आपका मन नहीं बैठने दे रहा है, तो शरीर के लिए योग करिए और मन को मजबूत करने के लिए ध्यान करिए, और जब शरीर और मन मजबूत होगा तो आपके सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। सर सागर आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, मतलब यहाँ के लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे, और मैं यहाँ पे जिनके यहाँ मेहमान हूँ घोषी जी और उनके पुत्र हैं क्या नाम है कुलदीप भाई हमारे, तो मतलब हमें इतना सम्मान मिला, और घोषी जी तो हमारे मतलब इनको भी दिखाया जाए भाई, इन्होंने जो है और ये जितने भी लोग यहाँ हैं मतलब बहुत अद्भुत बड़ा। स्वामी जी ने हमसे कहा कि वहाँ चलेंगे सागर, और हमारे एक घोषी जी हैं वहाँ चलेंगे, जबकि वहाँ दो लोग पहले से उनको ले जाने के लिए बैठे थे लेकिन वो माने नहीं, रात में आए, और मैं आकर मतलब मेरे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं इनके घर में आकर, और भगवान इनको ऐसे ही सुख प्रसन्न रखे और ये आगे निरंतर बढ़ते रहें। सर आप सागर आए हैं तो बुंदेलखंड जो है वहाँ पे जो युवाओं हैं मतलब इतना ज़्यादा उनमें वो नहीं है क्रेज पढ़ाई को लेकर, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए बुंदेलखंड के युवाओं के लिए? नहीं, बुंदेलखंड के युवाओं में क्षमता बहुत है, दिशा की कमी है, थोड़ा सा जो है पिछड़ापन भी है कि भाई इलाका बहुत विकसित नहीं है, सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बेटे को इंदौर या दिल्ली भेज दे। लेकिन आज मैं उन युवाओं को कह रहा हूँ कि आज इस नए युग में जब हर चीज़ YouTube पर मौजूद है तो पढ़ने वालों के लिए एक नई रोशनी वहाँ पैदा हो चुकी है, और बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर फ्री में पढ़े हैं, तो वो इसको बहाना ना बनाएं और सब कुछ ढूंढ कर निकाल कर अपनी तैयारी को गति दें। और जितने भी लोग सागर में हैं तैयारी कर रहे हैं वो कुलदीप के ग्रुप को ज्वाइन, मैंने कुलदीप को बोला है कि कुलदीप यहाँ सागर के लड़कों का एक ग्रुप बनाओ और हम उनको ऑनलाइन पूरा दिशा निर्देश दिया करेंगे। फीस इतनी है कि जो आदमी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा वो यथार्थ गीता खरीदेगा, तो जिसकी फोटो मिलेगी यथार्थ गीता के साथ उसको NCERT में फ्री में दूंगा हिस्ट्री की। चलो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद, झांसी की नंबर 1 फ्रेंचाइजी अवध फूड्स भोपाल ग्वालियर के बाद अब आपके शहर सागर में भी। अवध फूड्स प्योर वेज फूड्स, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा मात्र 15 रुपए से शुरू। एक बार अवश्य पधारे, हमारा पता है एक्सिस बैंक के सामने सिविल लाइन सागर, हमारा मोबाइल नंबर है 7999650572, 9140860286।